We're going to be looking at NASA W. Senior. Senior's ideas are relatively quite easy to grasp. Again, some of the language might be slightly difficult, but uh, the concepts are extremely easy. And on the whole, आपने concept पहले I don't think they'll be entirely unfamiliar. All right. So Senior really is known for this idea that uh, you know, academic theory about economics is kind of a waste of time. What we should really be focusing on is on the concrete stuff of political practice and economic practice and public policy and so on. And in fact, in his own life as well, he was uh, a chair, Drummond Chair of Political Economy at Oxford between 1825 1930, 47 to 52 as well. You know, he was advisor to the government and uh, he would advise them on public policy and on economic policy, etc. One of the major things that he attempted was, uh, and, and in fact implemented, was the reform of the poor laws. So his idea was that economics should be driven by practical policy rather than by abstract economic theory. But nonetheless, what he has to say about theory is, in itself, quite interesting. Uh, पहले तो वो ये कहता है कि इफ यू वॉन्ट अंडरस्टैंड वॉट इज़ वैल्यू बिकॉज मेन डिबेट इकोनॉमिक्स में है ही ये टू बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ वैल्यू वैल्यू इन एक्सचेंज वैल्यू इन लेबर वैल्यू इन यूटिलिटी एक्सेट्रा दिस इज द सेंटर क्वेश्चन ऑफ द इंटायर क्लासिकल पीरियड तो कहता है वैल्यू इज द क्वालिटी इन एनी थिंग विच फिट इट टू बी गिवन एंड रिसीव्ड इन एक्सचेंज यानी कि वो वैल्यू को एक्सचेंज वैल्यू से इक्वेट कर रहा है अब आपको पता है अच्छी तरह कि हम वैल्यू को थोड़ा सा और इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंटली देखा है कि उन्होंने ये कहा है कि वैल्यू जो है लेबर वैल्यू है और एक्सचेंज वैल्यू और चीज़ है और प्राइस एक्सचेंज वैल्यू इन मनी टर्म्स एंड सो ऑन सो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू को वो एक्सचेंज वैल्यू के अंदर बस फिट कर रहा है यू सी लेटर दैट ही इज़ नॉट कंप्लीटली इन लाइन विद द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू हालांकि हम उसको क्लासिकल इकॉनॉमिक्स के पीरियड में ही देख रहे हैं कहता है वैल्यू डिनोट्स अ रिलेशन रेसिप्रोकली एग्जिस्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दो चीज़ों के दरम्यान जो ताल्लुक़ है उसकी बात हो रही है ये जब भी आप दो चीज़ों के ताल्लुक की बात करें तो आप एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना तो एक्सचेंज वैल्यू की बात कर रहे हैं एंड द प्रिसाइस रिलेशन विच इट डिनोट्स इज़ अ क्वान्टिटी ऑफ़ द वन विच कैन बी ऑब्टेंड इन एक्सचेंज फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अदर क्या मतलब हुआ एक्सचेंज वैल्यू कि एक चीज़ जब आप दूसरी चीज़ एक चीज़ बेच के दूसरी चीज़ खरीदते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो किस क्वान्टिटीज़ के अंदर वो एक्सचेंज करते हैं so his understanding of value is purely one kind of value which is exchange value it is impossible therefore to predicate value of any object without referring explicitly or tacitly to some other objects in which its value is to be estimated this is entirely correct as far as exchange value is concerned and as far as price is concerned ke aap value is a relationship mein hi sakte hai. Aap exchange value ki baat kar rahe hun, तो uh, डेफिनेटली आप किसी और ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज में ही उसकी वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं इन एन ऑफ इट सेल्फ आप वैल्यू डिटर्मिन नहीं कर सकते अ पॉइंट ऑल्सो एज यू रिकॉल मेड बाय रिकार्डो जब वो कहता है कि वैल्यू बेसिकली इज अ रिलेटिव टर्म नो एब्सोलूट मेजर ऑफ वैल्यू एट ऑल जो कि स्मिथ के अंदर हमें कुछ हद तक नजर आया था So, Senior also agrees here with Ricardo, saying that value is purely a relative phenomena in relation to other commodities. He value can be So, again, Senior says the force of the causes which give utility to commodity is generally indicated by the word demand, and the weakness of the obstacles which limit the quantity of a commodity by the word supply. So, Pali, cheese, like pretty much all the economists. डिमांड एंड सप्लाई की वो बात कर रहा है नथिंग स्ट्रॉडनरी हेयर एट ऑल मगर आप गौर करें कि जब वो डिमांड की बात करता है तो वो किस चीज की बात करता है यूटिलिटी की बात करता है इनफैक्ट अभी आप आगे देखेंगे कि डिमांड को वो प्योरली इस सेंस में लेता है कि उस चीज की डिमांड होगी जिस चीज की यूटिलिटी होगी और दूसरी वो बात कहता है कि सप्लाई को वो देखता है ऑब्स्टिकल्स की शक्ल में कि किसी चीज के सामने कितने ऑब्स्टिकल्स हैं वो मार्केट तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. फिर लिखता है टू द फोर्स ऑफ वीकनेस Of the causes which give utility to them respectively and to the weakness or force of the obstacles by which they are respectively limited in supply. What yani is demand and supply? Hai. Demand jo hai basically is led by utility and supply is basically constrained by what he calls obstacles. Hai? Sim simple si equation is that we will talk Now, demand or utility, if we talk he says demand is the utility of a commodity. CDC baat hai. Demand is, lo pe, demand is the utility of a commodity. Kata for example, increased utility of oats and barley, or in other words, the increased desire of the community to obtain them, creates demand. Pata hai hai, he doesn't discuss this enough. OK, you can demand something more. But if you don't have the money to get it, then it's not really effective demand, as Malthus, I think, has correctly pointed out. तो अगर हमने डिमांड की वाकई बात करनी तो यूटिलिटी ऑफ़ कोर्स इज वन पार्ट ऑफ डिमांड बट डिमांड विल नॉट बी क्रिएटेड यू हैव मनी यू नो इन योर पॉकेट टू बी एबल टू बाय दैट थिंग सो इनफैक्ट दिस इज़ अ व वेरी incomplete अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड इन my व्यू इवन एन incomplete अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड वैसे आप कभी गौर करें कि जब भी हम indifference curve कर्व से डिमांड कर्व एक्सट्रैक्ट करते हैं economics के अंदर हम indifference curves बनाते हैं फिर हम बजट लाइन को शिफ्ट करते हैं indifference curves पे और वहाँ से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं डिफरेंस कर्व्स के साथ जहाँ से हम अपना डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग निकाल लेते हैं ऐसे ही करते हैं ना मगर इनफैक्ट अगर आपके पास इन कर्व्स ना भी हों अगर बिल फर्ज कोई ऐसी कमोडिटी हो और बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनकी यूटिलिटी बढ़ती चली जाती है जैसे आप उनको कंज्यूम करते चले जाते हैं ये तो हम खाने पीने की अशिया के हवाले से बात कर सकते हैं ना कि जब आप चीज़ खा रहे हैं तो आपकी भूख खत्म होगी जब आपकी भू खत्म होगी तो आपको अगली चीज़ का इतना शौक नहीं होगा डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होगी मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कमोडिटी की डिमिनिशिंग मार्चल यूटिलिटी होगी इवन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट कि कुछ कमोडिटीज़ हैं कि जब आप खाएंगे तो आप ज्यादा चाहेंगे मिसाल के तौर पे हार्ड ड्रग्स कमोडिटीज जब थोड़ा सा आप लेंगे तो उसके बाद आप और लेंगे फिर आप और लेंगे फिर आप और लेंगे अक्वायड टेस्ट भी ऐसा ही बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं जिन अक्वायर्ड टेस्ट होती हैं बहुत सारी एडिक्शन होती हैं बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि पहले आपकी कोई स्क्वाइश नहीं होती उनको कंज्यूम करने की कोई आपको ज़बरदस्ती कंज्यूम करवा देता है या कह देता है पेयर प्रेशर में आप कंज्यूम कर लेते हैं सिगरेट पी लेते हैं उसके बाद आपका दिल चाहता है और पिए और पी जितना आप ज़्यादा पीते हैं उतना आप और पीते हैं आई ऑलवेज फील क्रिकेट इज वन ऑफ दोस थिंग्स विच इज स्टे अवे फ्राम क्रिकेट एज वेल एज वीडियो गेम्स उफ आई स्टे अवे फ्राम वीडियो गेम्स अगर अगर मैं वीडियो गेम्स खेलता तो कभी मैं अपनी पी खत्म ना करता इनफैक्ट जब मैं अपनी पी कर रहा था तो आई गॉट एडिक्टेड टू हेलो हेलो किसी ने खेली या कंप्यूटर में खेलते हैं पॉइंट शूट टाइप गेम है उफ़ आई एडिक्टेड टू हेलो और जब तक वो कम बखत हेलो खत्म नहीं खत्म नहीं हुई पूरी वीडियो गेम खत्म नहीं हुई उस वक्त तक मैं कोई पी एच डी का काम नहीं किया मैं रोज़ हेलो खेलता था चार चार घंटे इसलिए दे वेरी एडिक्टिव ठीक है ना सो देर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड जो कि जिनको आप जब कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी उनकी कम होने के बजाय बढ़ जाती है मगर अगर हम देखें डिमांड कर्व को तो उनका डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कुछ का अपवर्ड स्लोपिंग भी हो जाता है बाय द वे डिमांड कर्व क्यों क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं कि पैसे हैं वो कि आप वो ख़रीद सकें यूटिलिटी अगर बढ़ भी जाए और पैसे आपके बजट आपका कम होता चला जा रहा है क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट मनी तो उससे भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा बहरहाल ये एक फ्यूचर की डिस्कशन है मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि सीनियर की जो डेफिनेशन है डिमांड की वो कुछ इनकम्प्लीट है बिकॉज इट्स ओनली लुकिंग एट तलब इन देंस ऑफ कि भाई आपको कुछ चीज चाहिए मगर क्या आपके पास कैपेसिटी है टू बाई दैट थिंग इसको उसने गौर से इस पर उसने गौर नहीं किया अब दूसरी तरफ सप्लाई की वो बात करता है कहता है सप्लाई इज द क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्चुअली ब्रॉड टू अ मार्केट ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि कितनी चीज सप्लाई कितनी चीज लेके आए वगैरह देखो ना वो स्पोर्ट्स कार तैयार हो रही है जो पीछे आप डिमांड कर रहे थे and it is affected he calls by the comparative force of the obstacles which in each case oppose any increase in that quantity यानी कि उसके सामने कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे बहुत किस, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं हो सकता है आपकी असेंबली लाइन खराब हो गई हो सकता है आपका पेंट जॉब नहीं ठीक हुआ हो सकता है प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई है हो सकता है रिटेल में कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है रॉ मटेरियल्स के आने में कोई ऑब्स्टिकल जो भी है इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑबस्टिकल लेकिन इवन बी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सटिकल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक एन ऑटोमेटेड स्पोर्ट्स कार विच वुड द केस आर इन पाकिस्तान राइट

शैम्पू खरीद रहे हैं तो क्या है वो कहता है अगर आप साबुन बेच रहे हैं इसकी यूटिलिटी अगर बढ़ गई या इसकी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम होगी तो ये क्या है इंट्रेंसिक है इंट्रेंजिक टू वॉट इंट्रेंजिक टू दिस पर्टिकुलर कमोडिटी और एक्सट्रेंसिक क्या है विच इज टू कि दूसरी कमोडिटीज में क्या हो रहा है दोज विच लिमिट द सप्लाई एंड ओकेजनिटी ऑफ द कमोडिटीज फॉर विच इट इज टू बी एक्सचेंज मे बी कॉल देंज एक्सट्रेंजिक कॉजिज ऑफ इट्स वैल्यू यानी कि अगर इसकी डिमांड में इजाफा हो जाए या इसकी सप्लाई में कमी हो जाए तो इन दोनों के एक्सचेंज रेट में तब्दीली आ जाएगी ये जो एक्सचेंज रेट में तब्दीली है जो इसके डिमांड और सप्लाई के नतीजे में एक्सचेंज रेट में तब्दीली आई है वो इंट्रेंसिक कॉज है जो इसके डिमांड और सप्लाई के नतीजे में तब्दीली आई है वो एक्सट्रेंसिक कॉज है ऑफकोर्स the perspective changes depending on whether you are this person or you are this person and both of them look exactly the same to my eyes at least so you could be either person so as an economist it shouldn't really matter too much but nonetheless that's the distinction he makes it's not a distinction in my opinion which has such lasting you know explanatory power or value hai. but nonetheless I thought I'd explain it anyway Now these things supply or demand they are in perpetual variation

स्लाइटेस्ट सस्पेशन भी अगर हो जाए कि कल को इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आप पहले से ही सोचना शुरू होंगे कि अगर कल इसको इसकी कीमत बढ़नी शुरू हो गई है तो मैं आज खरीद लूँ क्योंकि मुझे सस्ती मिल जाएगी और अगर सस्पेशन आपको ये होगा कि कल को इसकी कीमत गिरने लगी है तो आप फौरन ये सोचेंगे कि अभी मैंने नहीं खरीदनी गाड़ी क्योंकि कल इसकी कीमत गिरने लगी है जिस तरह पार्क व्हील्स डॉट कॉम एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है मुझे पता है सारे लड़के उस पर दिन रात बैठे होते हैं जिस तरह मैं हेलो खेलता हूँ उस तरह पार्क व्हील्स पे घूमते रहते हैं अब पार्क व्हील्स पे गेम ही सारी है कि गाड़ियों की कीमती ऊपर जा रही है नीचे जा रही है कौन सी गाड़ी की कीमत ऊपर जा रही है कौन सी की नीचे जा रही है और ये लड़के जो है ना दिस इज ऑल दे थिंक अबाउट क्या करिए नॉट दे हैव एनी मनी टू बाय दोस थिंग्स लेट मी टेल यू मगर सोचते ही रहते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये गाड़ी खरीदता फिर यूँ महंगी हो जाती फिर वो सस्ती हो जाती फिर मैं उसको बेच के वाली ले लेता ले ले है मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा कजन है जो हर साल अपनी गाड़ी जो है ना चेंज करता था वो कैनेडा चला गया हर साल वो अपनी गाड़ी चेंज करता था मैं कहता था हाउ कैन यू अफोर्ड इट कहता है तैमूर भाई इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डिंग इट आप पक व्हील्स डॉट कॉम पर जाएँ फिर आप गाड़ी खरीदें और देखें कौन सी गाड़ी की कीमत बढ़ी है फिर आप वो खरीदें साल बाद वो और महंगी हो जाएगी फिर आप उसको बेच के और गाड़ी गाड़े डूड एम नॉट इंटरेस्टेड एनी वे द पॉइंट इज के परपेचुअल वेरिएशन कैन कॉज चेंजेस इन डिमांड The details of commerce are so numerous. I like this passage, by the way. This particular sentence is very true and very good. The details of commerce are so numerous. The difficulty of obtaining early and accurate information is so great that accurate information, and the facts themselves are so continuously changing that the most cautious merchants are often forced to act upon very doubtful premises. कि वो भी जो बड़े केयरफुल डिसीजन करते हैं वो भी हैं भी बस बस में हवाई फायर ही मार रहे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता प्राइस ऊपर जानी नीचे जानी बाई द वे इन दम ऑफ सोवियत यूनियन देड एन एक्सपेरमेंट देट समिशनो चैस एंड मैथ एक्सेट्रा मोस्ट सम्स मैथमेटिशियंस टू सिट डाउन एंड टू कैलकुलेट कि अगर हम प्राइस जो है ना उनको छोड़ दें मार्केट डिटर्मिन करें प्राइसेज वॉट विल हैपन टू प्राइसिस उन्होंने बड़े एडवांस स्टिस्टिकल मॉडल यूज़ किए टू तो ट्राई एंड प्लान आउट कि क्या प्राइसिस के साथ होगा नो बडी को प्रिडिक्ट मूवमेंट ऑफ प्राइस बिकॉज इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं इतना स्टोकैस्टिक है इतना ज़्यादा रैंडम है ये सब कुछ कि एक्चुअली आप प्राइसिस फिगर आउट नहीं कर सकते इट वेरी वेरी रैंडम इवन ये जो स्टॉक मार्केट वगैरह सारा सिलसिला होता है तो कई होता है Uh, बाद में जब आपको तुक्का सही लगे तो फिर आप उसके बारे में बड़ी बड़ी थेरियां मारते हैं यू oh, नो you know, वैसे स्टडी करता हूं मुझे गट फीलिंग मेक अप बट इट्स सिंपली नॉट ट्रू राइट आई मीन इट्स नो बड़ी नोज विच स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू गो एट एनी टाइम विद स्टॉक इज गोइंट टू गो वेयर इट्स वाई दैव दिस मैसिव कंप्यूटर With a huge and really well written algorithm, wow. the, <laughs> <that> <laughs> uski hai they can predict which way the data is going to go. <laughs> uski they so, because of that computer, they've convinced so many investors that they have the right answer. This, in this stock market business, the hustle is the most important thing. The most important thing is to convince everybody that I have the right answer. It's like a self fulfilling prophecy.

किसी ने भी प्रिडिक्ट कैसे हो सकता है इतने अकलमंद लोग इतनी एडवांस मैथ करते हैं जो मुझे समझ भी नहीं आती कि क्या करी जा रहे हैं और दे कॉन्ट समथिंग लाइक इट्स नॉट यू सो सीनियर पॉइंट्स एट आउट ऑफ हियर एंड आई थिंक इज क्वाइट राइट सो मेनी मूविंग पार्ट्स इन अ मार्केट इकोनमी एंड एंड दीज मूविंग पार्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो बिगर एंड बिगर एंड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बट ऑबली इफ आई एम अ बिग इवेस्टर A big enough investor, when I move capital in and out of a market, or if a group of capitalists move capital in and out of a market, that of course you can predict what mm -hmm. result Okay, now speculation, he says. They see that the price of some article has risen. Who? The merchants. And they suppose that there must be some good cause for it. They see the price be a um, they see that if they had purchased a month ago, they would have been gainers now, and conclude that if they purchase now, they will be gainers a month hence. So far, is this reasoning? If it can call be, if it can be called reasoning? This is pretty much stock bada hai. Iska matlab Thak khareed Wo demand how prices operate and how stock markets also function. A spirit of speculation as blind as that of a gambler, ignorant of the odds and even of the principles of his game. It is obvious that the general value of all commodities, the quantity of each which will exchange for a given quantity of every other, can never remain the same for a single day. This is constantly moving. The price is constantly moving. Stocks are moving even faster than prices are moving. Is he right about this? Is Senior right about this? Yes, I believe he is quite correct about this. Uh, it's very difficult to really predict which way the market is going to go. आई आई थिंक वी सीन दैट वो जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वॉरेन बफेट है वो कहता है मैं तो स्पेकुलेट करता ही नहीं हूँ स्टॉक मार्केट पर मैं ख़रीद लेता हूँ ये चीज़ और चालीस साल उसी स्टॉक पे रहता हूँ और मैं ऑन एवरेज आई डू बेटर दैन द ऑल द स्पेकुलेटर्स एसेट्रा एक्सेट्रा वट इज़ इज प्रूफ ई इज़ नॉट स्पेक्यूलेटिंग एट ऑल वाट इज़ इट प्रूफ वो एवरेज रेट जो मार्केट का चढ़ा है ही इज हैप्पी विथ दैट एंड ऑन द होल एवरेज रेट पर ही वो ही डज क्वाइट दस बैठे अंदर स्पेक्लेटर से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करें मेरी बीवी ने मुझे कहा मैं भी कुछ स्टॉक मार्केट करूँ मैंने कहा सौ दफ़ा करो मैं कभी रोक नहीं सकता तुम्हें जो मर्जी तुमने करना मगर जुआ है देख लेना तो <laughs> मतलब है कि जो छोटे मोटे आप जैसे स्टॉक आपने आप शायद बहुत बड़ी मुझे नहीं पता पर मुझे पॉइंट ये है कि मेरी बीवी जैसे और मेरे जैसे जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं ना ट्रेडर्स क्या होते हैं जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना इनको तो इनका तो सत्यानाज होता ही होता है बिग फिश जो होते हैं ना वो बड़े वो स्ट्रांग होते हैं वो मार्केट को मूव कर सकते हैं हम तो ऐम बेचारे रगड़े जाते हैं इन द थिंग थाट के शायद हम कोई बक बना लें मिलियन बना लें या पता नहीं क्या एनी वे सो वट कॉज इज ऑपोजिट स्टेडीनेस इन वैल्यू अब आपको समझ आ गई कि स्पेकुलेशन बहुत तेज है स्पेकुलेशन जो है प्राइसेस को एकदम से बढ़ा सकती है एकदम से खींच सकती है जिस तरह स्टॉक्स ऊपर नीचे एकदम से जा सकते हैं स्पेकुलेशन की वजह से जाते हैं ना तो फिर व्हाट आर द जो जिससे स्टेडीनेस जिस पैदा होती है वो कहता है देखो जो प्राइस है उसके अंदर आपको और चीज़ें भी शामिल करनी सिर्फ जो प्रोडक्शन में आपको लगे हैं पैसे या कॉस्ट लगे है, वो नहीं बल्कि आपको लेबर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग भी शामिल करनी है आपको लॉस ऑफ टाइम भी शामिल करना है टैक्सेस भी अदा करने रिस्क ऑफ इंजरी और लॉस इन ट्रांजिट भी हो सकता है क्वालिटी मे नॉट कॉरस्पॉन्ड टू इट्स डिस्क्रिप्शन आपने एक चीज़ बनाई आपने किसी को सैम्पल भेजा उसने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा कपड़ा है मैं आपसे खरीद लूँगा जब आपने कपड़ा तैयार करके उसको ला के दिया उसने कहा यार ये तो सैंपल तो बिल्कुल आपने और दिखाया था और ये कपड़ा और था मैं तो नहीं ख़रीदूंगा लो जी तबाह हो गया आप सो so, कहता है ऑल दिस ऑल्सो गो इन टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इम्पैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्पेकुलेशन भी हो रही है ट्रांस trans, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है लॉस ऑफ टाइम सारा रिस्क वगैरह सारी चीज़ों को इकट्ठा करें

और ये इस वेरिएशन में आपने ट्रांसपोर्ट और रिस्क और ये सारी टैक्सेशन चीज़ें भी शामिल करनी है और ये परपेचुअल फ्लक्स में चीज़ें होती हैं ये कोई स्टडी चीज़ें नहीं होती ये हर वक्त घूम रही होती मूव कर रही होती और स्पेकुलेशन जो है उनको ऊपर नीचे ड्राइव कर सकती बस इतनी बात की उसने अब वो बात करता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ये जो डिस्कशन है ये बड़ी अहम है और अभी डिस्कशन उसकी जारी ही है ऑन द थियोरी ऑफ वैल्यू कि वैल्यू क्या है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है आपको मगर ये उसने थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन दी अभी तक डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है ये वही चीज है जिसको आप लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है सो यू कैन रीड रीड दिस इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है आप जानते ही हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर जो है तीन मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे जाते थे एक लैंड था एक लेबर था और एक कैपिटल था और इन तीन मेन क्लासेस को सोशल क्लासेस थी इन तीन मेन सोशल क्लासेस और इन तीन मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तीन मेन किस्म की डिफरेंट किस्म की रिनमेशन मिलती थी पैसे मिलते थे या कॉम्पनसेशन मिलती थी लेबर को क्या मिलती थी वेजेस कैपिटल को क्या मिलेगा प्रॉफिट और लैंड को क्या मिलेगा रेंट ये तीन मेन डिस्टिंगशन हैं वेजेस रेंट एंड प्रॉफिट जो कि तीन क्लासेस को जानी है लैंड को कैपिटलिस्ट uh, uh, को और लेबरर को और इसके पीछे तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर कैपिटल और लैंड ठीक है ये स्मिथ में भी आप पढ़ सकते हैं ये आप रिकार्डो uh, में भी पढ़ सकते हैं ये हर बंदा जो इस इस पीरियड में लिख रहा है मोरॉलिस इसी में पढ़ सकते हैं जब हम कहते हैं पोलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं जब हम कहते हैं पोलिटिकल से मीडिया और पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन तो बेसिकली हम इसलिए उसको पोलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं बिकॉज ओरिजिनली जितनी पोलिटिकल इकोनॉमी थी उसमें कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस किया कि हमें तबकात को सब समझना है हमें क्लासेस को समझना है no. नो आप देख सकते हैं स्मिथ के अंदर रिकार्डो के अंदर सीनियर के अंदर जितने लोग मैलूज के अंदर जितने लोग आपने अभी तक पढ़े हैं हर बंदा जो क्लासिकल पीरियड के अंदर आ रहा है वो ना तो क्लासेस को डिनाई कर रहा है बल्कि उसकी एनालिसिस का की ही क्लासेस है हर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो क्लास एनालिसिस कर रहा है सोसाइटी का हर पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो एक तरह से शुरुआत है वो है ही क्लास एनालिसिस ये मार्क्स की कोई इसमें कमाल बात नहीं है सारी क्लास एनालिसिस कर रहे हैं रिकार्डो भी कर रहा है स्मिथ भी कर रहा है सब कर रहे हैं

हाउ वाइन इन अ सेलर और एन ओक इन इट्स प्रोग्रेस फ्रॉम सैपलिंग टू अ ट्री गुड ऑन दिस प्रिंसिपल इनक्रीज इन वैल्यू इज आई सेट अंडरस्टैंड दे रिप्लाई दैट दे कंसीडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वाइन इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री एज सो मच एडिशनल लेबर बिस्ट आउटोड ऑन इच तो यानी कि वो कहता है कि देखो अगर मैं वाइन तैयार करूँ ठीक है नहीं नहीं मैं नहीं तैयार कर रहा फिक्र ना करें बट अगर मैं वाइन तैयार करूँ और उसके बाद मैं उसको एक सेलर में रख दूँ जहाँ पर वो फर्मेंट होगी और पुरानी होगी और आप लोग तो मुझे पता है नहीं जानते होंगे शायद ये शायद जानते भी हों कि जितनी वाइन पुरानी होती चली जाती है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो फिर वो सीनियर ये पूछ रहा है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू सिर्फ पड़े रहने से बढ़ रही है तो हाउ डज अब हेर वैल्यू एक्सप्लेन दैट इसी तरह अगर एक सैपलिंग मैंने लगाया है दरख्त का दरख्त लगाया है मैंने छोटा सा दरख्त का पौधा लगाया है वो पौधा जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कुदरत की वजह से एक पूरा दरख्त बन जाएगा तो क्या वो लेबर की वजह से उसकी एडिशन हुई है या नेचर की वजह से वैल्यू एडिशन हुई है दैट इज द क्वेश्चन ही इज रेजिंग ऑफ लेबर वैल्यू डज हैव एन आंसर टू दैट कि कुछ नेचुरल प्रोसेस हैं बट नेचुरल प्रोसेस डू नॉट एड वैल्यू लेबर थे वैल्यू वाले लोग ये कहते हैं क्यों वाइट वो नॉट एड वैल्यू क्योंकि कुदरत से जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं उसके लिए आप कीमत नहीं अदा करते क्योंकि वो आप कुदरत से हासिल कर सकते हैं तो जो वैल्यू आप एक्चुअली अदा कर रहे हैं ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा जब जब वाइन या सैपलिंग जो है वो पूरी चीज़ नहीं बनेगी मगर एक्चुअली अगर आपने वही चीज़ कुदरत से हासिल की होती अगर आपने वाइन कुदरत से हासिल की होती वही दरख्त आपने कुदरत से हासिल किया होता वुड यू हैव पेड प्राइस फॉर इट द आंसर इज नो you would not have paid any price for it. You would just cut the tree down and take it home. Or you would have poured the wine in your glass and taken it home, or whatever it is. So when you directly appropriate from nature, you pay zero price for it. Why? Because no human value has been added into that thing, although that thing has enormous utility. For example, when I just drink water out of uh, a stream, stream कुदरत से जब मैं पहाड़ों में जाके जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग करूंगा मैं किसी को पैसे दूंगा उसके नहीं वो पहाड़ किसी का भी नहीं वो तो कुदरत का है ना सो समस्ट ओन दट थिंग फॉर इट गिव दट मनी कैन अप्रोप्रिएट डायरेक्टली फॉम नेचर आई डोंट पे फॉर इट इवन इन कैपिटलिज्म हवा मुझे डायरेक्टली मिल रही है आई एम ब्रीदिंग इट अभी तक तो मुझे उसके पैसे नहीं अदा करने पड़ रहे बाद में कोई पता नहीं कैपिटलिज्म किधर ले जाए शायद कैन में आपको फ्रेश एयर मिलनी शुरू हो क्योंकि लाहौर में स्मॉग इतनी ज़्यादा है कि आप वो वो मास्क ले और कैन खोलें और फ्रेश शुक्र है मेरे लंग साफ हुए एनी वे सो एंड द काउंटर टू दैट वेल दूसरा फैक्टर इज लैंड अब लैंड ही डजेंट लाइक द टर्म कहता है लैंड नहीं हमें नेचुरल एजेंट्स की बात करनी चाहिए उसमें लैंड भी शामिल है माइन्स भी शामिल हैं रिवर्स भी शामिल हैं फॉरेस्ट भी शामिल हैं वाइल्ड इनहेबिटेंट्स भी शामिल हैं जानवर वगैरह भी शामिल हैं और उसके अलावा कहता है टू दीज मस्ट बी एडिट द ओशंस द एटमोस्फेयर लाइट हीट एंड इवन दो फिजिकल लॉज सच एज ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बाय द नॉलेज ऑफ विच वी आर एबल टू वेरी द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर यानी कि वो लैंड को एक ब्रॉडर कैटेगरी में डाल रहा है नेचर की कैटेगरी में या नेचुरल एजेंट्स उसको बोल रहा है ठीक है सो कहता है टर्म नेटिंग होल जीनस बाय द नेट्स दी अदर कॉगनेट स्पीशीज टू बी जनरली स्लाइटेड इन ऑफन फॉर गॉटन के एक्चुअली नेचर की कैटेगरी में मेनली लैंड ही आता है मगर और बहुत सारी चीजें भी आती हैं इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं इसको नेचुरल एजेंट्स कहूँ ठीक है और तीसरा फैक्टर है एब्सटनल जो कैपिटल जिसको दूसरे इकोनॉमि कहते हैं एब्टन क्या है कहता है मैंने अपनी टर्म बनाई है जिस तरह एजेंट कहता है मैंने अपनी टर्म में बनाने का सीनियर को बड़ा शौक है प्रोडक्शन है, remote to that of immediate results यानी यह देखो ना यह बंदा है यह कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा मैं वो abstain करूंगा उस चीज को इस्तेमाल करने से और बजाय इसके कि मैं अपने पैसे से खाना खरीदूँ और खाने खाऊं और कंज्यूम करूं उसको मैं क्या करूंगा एबस्टेन करूंगा फ्रॉम कंज्यूमिंग इट और उसकी जगह मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा जिससे मैं कोई नई पैदावार करूँ तो ये है कैपिटल ऑब्वियसली उसको कैपिटल का नाम नहीं वो देता उसको नाम देता है एब्सटेन्स का वैसे वो कैपिटल का नाम भी यूज करता रहता है कहता है रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्सर्शन इंप्लॉयड इन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक है सो so कैपिटल एक चीज़ है जो इंसानों ने ही बनाई है और उसको इस्तेमाल किया जाता है मजीद और पैदावार के लिए कैपिटल इज नॉट अ सिंपल प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट सो इट्स नॉट लाइक लैंड एंड इट्स नॉट लाइक लेबर इट्स समथिंग डिफरेंट इट इज इन मोस्ट द रिजल्ट ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्टिव इंस्ट्रोमेंट्स कम्बाइंड शुड हैव रिटन ऑल टू बट चलो थ्री लिख दिया सो बेसिकली वट इज ट्राइंग टू से इज के इट्स नॉट सो मच लाइक लेबर यू नो इज़ द एक्ट ऑफ वर्किंग And land or nature, you know, is just everything that you find in nature without your own work in it. So, capital is not like that. It's kind of, it's not a thing as such. It's the act, really, of not using that nature or that labor in one way, but using it in another way, not consuming it, in other words, but saving it so that you can use it for a further advanced production to create more value. सो एबस्टन्स इज़ अ सेंट्रल क्वालिटी ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि अभी इसको कंज्यूम नहीं करना सेव करना है और सेव करके यही लेबर और यही रॉ मटेरियल्स ये सब चीज़ों से मैंने और कुछ चीज़ बनानी है अब गौर कीजिए कि लेबर का रिवॉर्ड तो वेजेस हो गया बड़ी सादा सी बात है मगर प्रॉफिट्स वो कहता है आर रिवॉर्ड्स फॉर एबस्टनन्स क्योंकि मैंने अभी अपनी चीज़ इस्तेमाल नहीं की तो मुझे प्रॉफिट मिला और इस पर सीनियर का बाद में बड़ा मजाक भी उड़ाया गया के कैपिटलिस्ट को इतने सारे जो प्रॉफिट मिल रहे हैं वो इस वजह से मिल रहे हैं कि वो एब्सटेन कर रहा है सीनियर लिखता है दैट एजेंट डिस्टिंग फ्रॉम लेबर एंड द एजेंसी ऑफ नेचर यानी कि कैपिटल की बात कर रहा capital, capital, के के है द कॉन्सिक्वेंस विच इज नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एब्सटंस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एंड विच स्टैंड इन द सेम रिलेशन टू प्रॉफिट एज लेबर डज टू वेजेस कि यानी कि जिस तरह लेबर को वेजेस मिलती हैं इस तरह एब्सटनस की इस क्वालिटी को या एक्टिविटी को प्रॉफिट मिलता है टू एब्सटेन अब इस पैसेज पे बड़ा मजाक उड़ा बेचारे का मोस्ट पेनफुल ह्यूमन विल ये मतलब बहुत बेचारे को मोस्ट पेनफुल चीज उसने की बेचारे के सामने इतना सारा खाना था और वो you know, खा ही नहीं सका यू नो इतना खाबा था अब वो कोई कह सकता है कि गरीब के, के साथ गरीब को नहीं एब्सटिनेंस गरीब तो उससे भी ज्यादा कर रहा है वो तो और भी ज्यादा गरीब है तो ये क्या चक्कर है वो कह गरीब के सामने तो था ही नहीं ना तो वो तो खा ही नहीं सकता था तो इसलिए उसने एक्सट्रेंस नहीं की बट बारह वेरी कन्विंसिंग आर्गूमेंट अब देखो वो क्लासेस की डिस्कशन करता है लैंड लेबर कैपिटल और वो कहता है हमें बारह टर्म्स चाहिए तीन टर्म्स कम है बारह चाहिए पहले हमें चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंट की टर्म फिर हमें चाहिए कि कौन सी क्लास उसको इस्तेमाल करती है फिर वो क्या एक्ट उसकी एक्टिविटी क्या है और आखिर में उसको क्या शेयर मिलता है ठीक है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है दो मिनट में समझ आ जाएगी बात मिसाल तौर तो पे लेबर से शुरू करते हैं लेबर फैक्टर और प्रोडक्शन क्या है लेबर ऑब्वियसली खुद ही है ठीक है क्लास क्या है क्या, क्या कहते हैं कि उस बंदे को जो लेबर करता है लेबर वो एक्टिविटी क्या है एक्शन क्या है टू लेबर टू डू लेबर और उसको क्या मिलता है उसमें से वेजेस एम यार इतना टाइम जाया कर रहा है इतनी सारी टर्मे हम लिखा रहा है कोई ये तो आपको भी पता है इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात तो है नहीं बट वाइट डज ई देन डू इट बिकॉज एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस दिस आइडिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल

सो so स्पेक्यूलेट कर रहा है वो अपस्टेन कर रहा है हो सकता है उसको वापस मिले हो सकता है उसको वापस ना मिले अब यहाँ पे आपको वही आइडिया मिल रहा है कि क्योंकि मैं अपना कैपिटल रिस्क कर रहा हूँ और अपस्टेन कर रहा हूँ फ्रॉम यूजिंग दैट कैपिटल और यूजिंग दोज रिसोसेज फॉम माई फॉर कन्जम्पन मैं उनको कंजम्पन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा अपस्टेन करके उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो दैट्स वाई माई रिवॉर्ड फॉर दैट इज द रिस्क आई एम टेकिंग विद माई कैपिटल ये दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट जो आपको इंटरनेट पर भी मिलेगी इन फेवर ऑफ़ कैपिटलिज्म एंड यू कैन सी इट गोज ऑल द वे बैक टू सीनियर

विच ओ necessary to its प्रोडक्शन सो इन a certain सेंस ही deserves to गेट और शी deserves to get, रिवॉर्ड फॉर दैट एक्टिविटी और अगर मैं लैंड की बात करता है वो कहता है जी इंस्ट्रूमेंट क्या है नेचुरल एजेंट है नेचर है बेसिकली कुदरत है क्लास क्या है कहता है प्रोप्राइटर ऑफ अ नेचुरल एजेंट हम उसको लैंड कहते हैं बट इट डजन लाइक द टर्म लैंड बिकॉज लैंड ओनली इंप्लायज थिंग्स अबाउट लैंड व ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंडेड टू एनी दैट इज रिलेटेड टू नेचर एक्ट क्या है दिस इज द बेस्ट पार्ट कहता है एक्ट उसका कोई है ही नहीं दी इज़ वेरी रिकार्डियन इन दैट सेंस वेरी रिकार्डियन कहता है उसका कोई एक्ट नहीं है नो सेक्रीफाइस ओनली पोजेशन उसका काम ये है कि उसने पोजेस कर ली है वो चीज़ बस दैट नो अदर एक्ट देयर एंड शेयर किया उसका रेंट अच्छा आप इसमें गौर कीजिए कि अगर लैंड लॉड जो है लैंड की डिवेलपमेंट पर पैसे लगा रहा है तो फिर उसको जो उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है वो एक्चुअली उसको एज अ कैपिटलिस्ट मिल रहा है तो अगरचे आप उसको पैसे जो दे रहे हैं एज रेंट दे रहे हैं मगर यहाँ पे रिकार्डियन रेंट और अकाउंटिंग रेंट में जो फर्क है वो आपको सीनियर में भी डिस्टिंक्शन नज़र आ रही है कि वट ही मीन्स बाय रेंट इज़ नॉट जस्ट रिसीविंग मनी फॉर रेंटिंग समथिंग कराया जिसको हम कहते हैं बट वट ही मीन्स बाय रेंट इज गेटिंग समथिंग बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज यू इन्वेस्टेड सम मनी और इम्प्रूव्ड और एडिड सम वैल्यू टू द लैंड और टू वट एवर बट बिकॉज यू पोजेस्ड अ लैंड और यू पोजेस्ड अ माइंड और यू पोजेस्ड एनी On which you could extract rent, and that anything could also be a patent. Okay? You can extract rent on a patent just by possessing the patent, not necessarily by developing it. So he writes the surplus revenue which they occasion beyond average wages and profits is the revenue for which no additional sacrifice has been made. His point of view may rent. Senior ke point of view say rent. In fact, a passage if you look the reading. तो वो बताता है कि जब आपके पास एक पेटेंट होता है तो पेटेंट पे जो आपको पैसे मिलते हैं उसको लीगल टर्म्स में कहते भी रेंट है सीनियर पॉइंट के साथ एन इज नॉट रॉन्ग देयर कि उसको एक्चुअली जब आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि मैं आपका ये ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो उसके इवेज जो आप पैसे देते हैं फॉर यूजिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको इंग्लैंड के अंदर लीगली स्पीकिंग रेंट ही बोला जाता है सो so, कहता है इसी से आपको नजर आता है कि वो है ही रेंट और आपको वो क्यों मिल रहा है इसलिए तो नहीं मिल रहा कि आपने हो सकता है आपने वो पेटेंट डेवलप किया हो सकता है नहीं किया मगर आपके पास क्योंकि वो आपकी पोजेसन में है इसलिए आप उस पर रेंट ले रहे हैं सो यू मेड नो एडिशनल सेक्रीफाइस यही रिकार्डो का याद है आपको कॉन्सेप्ट था जिसको वो डिफरेंशियल रेंट कहता है कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं कुछ पैसे तो आपको मिल रहे हैं कि लैंड की जो है उसकी वैल्यू उसके पैसे आपको मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए आपको उसमें नहीं उसको प्रॉब्लम मगर वो जो एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे मिल रहे हैं ऑन द बेटर ऑफ लैंड याद है ना जो बेटर ऑफ लैंड था उस पर थोड़े से एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो बेसिकली रेंट है और दैट इज एक्स्ट्रा मनी यू गेट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू पोजेस इट नॉट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू डिड एनी थिंग टू इट सो नो एडिशनल सेक्रीफाइस नो लेबर हैज बिन डन ऑन इट नो वर्क हैज बिन डन ऑन इट इवन ये भी नहीं आपने किया जो कैपिटलिस्ट कर रहा है कि आपने स्टेन किया हो वो भी नहीं आपने किया कुछ भी नहीं आपने किया, आप किया कोई सेक्रीफाइस नहीं किया आपको पैसे मिल गए wages and profits are to be considered as the rewards for peculiar sacrifices. a wages wages be sacrificed. profit be sacrificer, profit sacrifice, or abstinence value. wages constitutes sacrifice, i.e. the former the work the the former, the remuneration for labor, and the latter for abstinence from immediate enjoyments. it is clear that under the term rent must be included all that is obtained विदाउट एनी सैक्रीफाइस ठीक है इसीलिए इकोनमिस्ट जब कहते हैं कि यू नो हमने रेंट इन द इकोमी को ख़त्म करना है यानी कि जब वो ये कहते हैं कि इलीट रेंट की वो बात करते हैं या वो ये बात करते हैं कि किसी कोई आपने हकूमत से कोई काम करवाना है कोई ऑफिस से कोई काम करवाना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे पैसे लगाने पड़ेंगे ठीक है आपने uh, खैर नादरा इज़ वेरी इफिशियट मगर आपने कोई और काम करवाना है जहाँ पे आप वेल well नोन बात है कि इसके पाँच हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जरा अंडर द टेबल तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम ये कहें उसको हम कहेंगे रेंट रेंट क्यों है वो क्योंकि वो सिर्फ बाई वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि वो जो ब्यूरोक्रेट है ही ऑक्यूपाइज दैट पोजिशन वो आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकता है जस्ट बाय वर्च्यू द फैक्ट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट ऑफिस दैट्स वॉट इज कॉल्ड रेंट तो जब इकोनॉमिस्ट uh, ये कहते हैं कि रेंट्स को हमने ख़त्म करना है इससे उनकी मुराद ये नहीं है कि हमने किराए सारे किराए ख़त्म कर देने उनकी मुराद ये है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको बाई वर्चू पोजेसन बट नॉट बाई वर्चू एनी लेबर और वर्क और इवन एब्सटन्स और इवन सेक्रीफाइस यू डन वो जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो ख़त्म होने चाहिए नहीं ही इज़ नॉट सेइंग लेबर गौर करें क्योंकि वो तो अगर वो लेबर है तो वो लेबर में चला जाएगा लेबर नहीं है वो एब्सटन्स है कैपिटलिस्ट को जो पैसे मिल रहे हैं वो है अच्छा मैंने मैं आपको ना एक पैसेज भेजूंगा पूरी क्लास को ही भेजूंगा जिसमें स्मिथ से ये बात पूछी गई एडम स्मिथ से कि कांट वी कंसिडर के जो कैपिटलिस्ट को पैसे मिल रहे हैं प्रॉफिट की शक्ल में कांट वी कंसिडर कैपिटलिस्ट तो स्मिथ उसका उसने उसका बहुत ब्रिलियंट और अच्छा जवाब दिया उसने कहा नो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड रिवॉर्ड फॉर लेबर ऑफ द कैपिटलिस्ट उसकी एक तो वजह यह है कि जो रिवॉर्ड है इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन टू द लेबर ऑफ द कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट है इट इज़ ऑलवेज इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड नॉट इन प्रोपोर्शन टू द लेबर यू डन लेबर की जो वेजेस जो हैं वो मिशन इन प्रोपोर्शन टू तो हाउ मच वर्क होता है ठीक है ना मिसाल तौर तो पर मैंने अगर पूरा महीना तीस दिन काम किया तो मुझे दिहाड़ी के हिसाब से उतने पैसे मिलेंगे अगर मैंने पूरे महीने में तो दस छुट्टियाँ की तो मुझे उसी के हिसाब से कट जाएंगे पैसे मेरे कम लेबर किया तो कम पैसे मिलेंगे ठीक है जो भी मेरा रेट है उसके हिसाब से मेरा लेबर अगर हाईली वैल्यूड है मगर कैपिटलिस्ट को ऐसे पैसे तो नहीं मिलते कैपिटलिस्ट को जो पैसे मिलते हैं इज डिटर्मेंड बाय हाउ मच ही इन्वेस्ट इवेस्टिंग अगर वो एक लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक सर्टन रेट पे मिलेगा अगर वो एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा हो सकता है एक लाख में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो और क्योंकि छोटे बिजनेस में अक्सर कैपिटलिस्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक करोड़ में उसको कम मेहनत करनी पड़ी हो that you can often separate the work of, like for example, my mother is a capitalist, And also, like she has a uh, furniture making; she uh, makes furniture. Now, my mother, since i to the workshop, there, and she makes furniture. So, in that capacity, she's doing two roles. One is a role as a capitalist, which is that she's, you know, providing the capital. But the other role she's playing is as a manager of the factory. अगर वो अपनी जगह एक मैनेजर हायर करें उसी क्वालिटी का तो देन यू वुड बी एबल टू सी द डिस्टिंगशन बिटवीन द पे दैट द मैनेजर गेट्स एंड द पे एंड द मनी दैट द कैपिटलिस्ट गेट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंगशन अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर कैपिटलिस्ट जो है वो पार्ट मैनेजर भी है बिकॉज हमारा कैपिटलिज्म जो है वो प्रिमेटिव किस्म का कैपिटलिज्म और पुराने ज़माने में कैपिटलिस्ट जो थे वो मैनेजर्स भी होते थे ठीक है वो अपनी अपनी बिजनेसेस करते थे मगर अब आप देखें उस बंदे को जो Uh, जिसकी वर्जन एयरलाइन uh, है फॉर एग्जाम्पल ब्रांसन को देखें ब्रैंडसन की पूरी एक फ्लीट है या आप uh, कोई भी कैपिटलिस्ट को देखें एप्पल के बंदे को देखें या आप किसी को भी देखें अब वो लोग जो एप्पल को ओन करते हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एप्पल कंप्यूटर्स के लिए इसके लिए जितनी भी चीज़ें एच के लिए या सैमसंग uh, के लिए तो वो मैनेजर नहीं है उनका सोशल रोल ये नहीं है कि उन्होंने फैक्ट फैक्ट्रियां चलानी है और उन्हें बिजनेस चलानी है। उसके लिए वो एक और बंदा हायर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं पे CEO और capitalist hmm. हुए हैं इसलिए आपको दोनों में फर्क नहीं नजर आता सो एक्सचेंज राइट एक्सचेंज इज द प्रोपोर्शन इन विच कि ऑफ प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज फॉर वन अनदर सीधी सी बात है ये साबुन है ये पता नहीं कुछ और चीज है ये एक्सचेंज कर एक दूसरे के साथ only those things can be exchanged up there comes the key and most important aspect of senior only those things can be exchanged that are transferable limited in supply and have utility transfer limited in supply and have utility the exchange value of any two things depends on the utility and limit the supply of the one, and the supply and occasion, and the unit utility of the other. In other words, the demand and supply of both commodities will determine the exchange value between them. If its demand is more, its demand is less, then obviously this thing will be expensive. If its supply is more, and its supply is less, then obviously this thing will If its demand is more, it's a relative thing. Demand and supply on both sides is operating. But that's not the end of the story. कहता है प्राइस द कमोडिटी सेलेक्टेड टू बी द जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज से मतलब ये है कि एक्सचेंज उस कमोडिटी के जरिए होगा हम हर कमोडिटी को एक कमोडिटी में वैल्यू करेंगे वो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है सॉल्ट गोल्ड सिल्वर वट एवर इट इज और बाद में अब हमने उसको एब्सट्रैक्ट करके पेपर मनी बना लिया है और पेपर मनी से डिजिटल मनी भी बना लिया बट इनिशियली ऑफकोर्स इट वॉज अ कॉन्क्रीट कमोडिटी जो कि जनरल एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल की जाती थी That becomes money. Price, therefore, is the exchange value expressed in the money commodity. What is price? What's the difference between price and exchange value? Exchange value is the two commodities kya relationship exchange ka. Or price is, is the exchange value not between any two commodities, but between any commodity and the money commodity of that society. That could be silver, that could be gold, that could be copper, that could be cattle, that could be women, that could be salt, that could be slaves, it could be any one of those things. But whatever it is in those terms. So, now what is price? Where the only natural agents employed are those which are universally accessible and therefore are practically unlimited in supply, the utility of the produce, or in other words, its power, directly or indirectly, of producing gratification or preventing pain, must be in proportion to the sacrifices made to produce it. Unless the producer has misapplied his exertions, since no man would willingly employ a given amount of labour or abstinence in producing one commodity if he could obtain more gratification by devoting them to the production of another. Long passage, but not difficult to understand. I have a to make. First, say I make this remote. I have costed it. Now, cost I have I will sell it only when मुझे जो मैंने कॉस्ट अदा की उसके इवज मुझे उतनी ग्रेटिफिकेशन मिले जितनी मैंने कॉस्ट अदा की मुझे उतना वापस मिलना चाहिए जितना मैंने इसके अंदर डाला है एंड यू एवर कमोडिटी यू ब्रिंग टू द मार्केट सो हाउ डज दैट वर्क पहली बात तो यह कि इसमें फैंसी प्राइस हम निकाल देते हैं फैंसी प्राइस से मतलब उसकी यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं द रिजल्ट ऑफ एजेंट्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस एजेंट से मतलब ये है लेबर या कैपिटल या जो भी बनी ऐसी चीज़ें बनी हैं कि जो कि अब मजीद और नहीं बन सकती और एक्टिंग एट रिमोट एंड अनसर्टन पीरियड दप्लाई विच नॉट बी इंक्रीज और कैन नॉट बी रेकंड अपॉन उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती ये प्रॉपरली स्पीकिंग कमोडिटीज हैं ही नहीं ये रेयर आइटम्स हैं रेयर आइटम्स जो हैं उन उसकी उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ रेयर आइटम्स में एंटीक्स शामिल हैं रेलिक शामिल हैं रेयर प्रोडक्शन ऑफ़ नेचर रेयर आर्ट रेयर डायमंड्स, रेयर पिक्चर्स और स्टैचूज ऑफ एक्स्ट्रॉडनरी ब्यूटी वगैरह कहते हैं इनको निकाल दो बाकी सब चीजों के लिए जो लॉ अप्लाई होता है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सम ऑफ द लेबर इन एबेंस टू प्रोडक्शन कहता है सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदे रॉ मटेरियल्स मैंने कैसे खरीदे कैपिटल से मशीनरी खरीदी कैसे खरीदी कैपिटल से खरीदी ठीक है और मैंने जमीन कहीं पे इस्तेमाल की उसकी प्रोडक्शन के लिए वो भी उसका एक एसेट ही है उस प्रोडक्शन का उसमें मैं फर्ज कर लेते हैं वो रेंट नहीं दे रहा वो जो रिकार्डियन किस्म का रेंट है और मैंने लेबर खरीदा और उससे मैंने पैदावार की और मुझे एक सर्टन कॉस्ट आई अगर मैं वो कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहा तो क्या होगा मैं मजीद प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा मगोन खसमानू खाए मुझे महंगा पड़ता है और मुझे आगे मार्केट से पैसे ही नहीं मिलते वो जितने पैसे मेरे लग रहे हैं यहाँ पे उससे कम पैसे मुझे मिल रहे हैं तो फिर मैं क्यों प्रोड्यूस करूंगा कोई भी नहीं प्रोड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कहता है वो उसकी मिनिमम प्राइस है उससे अगर प्राइस नीचे गिर गई ना कि जो आपको अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ और आपको वो प्राइस नहीं मिल रही आपको अपनी कॉस्ट आपकी पूरी नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप प्रोडक्शन बंद कर देंगे आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे हो सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में आप प्रोड्यूस करते रहें मगर लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म में भी आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे सो so ये मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस क्या है कहता है देर इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर परचेसर ये बड़ा ऑड सा उसने फ्रेज यूज़ किया और मुझे भी अच्छा नहीं लगता or confusion, it, it opens you up for a lot of confusion, opens one up for a lot of confusion. But what does he mean by it? He means that the buyer, the cheese buyer, jo buyer de hai, first score, jo gold buyer, the gold buyer, cost of production can evaluate. Kar sakte. So cost of production of purchaser is what the pi, buyer is giving up in terms of labor and capital. If you have invested labor and capital to produce something, फ़र्ज़ करें कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ी है उस चीज़ की सौ रुपये और आपने आप अब आप उसको सौ रुपये से कम में नहीं बेचेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता अदरवाइज़ आपको नुकसान हो जाएगा और शायद एक दफ़ा आप नुकसान उठा लें दो दफ़ा उठा लें मगर लॉन्ग टर्म में आप नुकसान नहीं उठाएंगे आप बंद कर देंगे और मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ वो भी लेबर और कैपिटल के टर्म्स में उसकी भी कोई वैल्यू है वो एक तरह से उसकी मैक्सिमम प्राइस है क्योंकि अगर मैं आपको सौ रुपये दे रहा हूँ या मैं फ़र्ज़ करें कि आपको लट से कि एक सौ दस रुपये दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ ठीक है तो एक सौ दस रुपये से भी मैं लेबर और कैपिटल ख़रीद के वो चीज़ बना सकता हूँ जो आप बना रहे हैं फ़र्ज करें आपने सौ रुपये की चीज़ बनाई ठीक है और मगर जब आप मार्केट में आए तो आपने कहा सर मैं तो दो सौ रुपये की बेचूँगा अब मैं आपको अगर दो सौ रुपये दे दूँ तो मैं आपको सिर्फ दो सौ रुपए नहीं दे रहा मैं वो उस दो सौ रुपए में मैं लेबर और कैपिटल भी खरीद सकता हूं और अगर उस दो सौ रुपए में मैं लेबर और कैपिटल खरीद लूं और वही कोल्ड कॉफी बनाऊं जो आप पी रहे हैं या मुझे बेच रहे हैं दो सौ रुपए की तो मुझे मैं उसे दो गुना ज्यादा कोल्ड कॉफी बना लूंगा तो मुझे क्या फायदा है फिर कि मैं उतना सारा लेबर और कैपिटल या मनी गिव अप करूं टू बाय दैट कोल्ड कॉफी फॉर टू हंड्रेड रुपीज

कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वलाइज होगी मैं उतने ही पैसे उसको दूंगा जितने में मैं खुद वो चीज बना लेता ये कहने की कोशिश कर रहा है लिखता है इफ प्राइस शुड फॉल लोअर यानी कि अगर सौ रुपए की ये बनी है चीज और मैं इसके पचास रुपए दे रहा हूं मार्केट में आपको इसके पचास रुपए दे रहे तो क्या होगा द वेजेस ऑफ द ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन मस्ट फॉल बिलो द एवरेज रीम्यूनरेशन ऑफ द लेबर इन दैट मस्ट बी अंडर गॉन इफ देर प्रोडक्शन

फ़ द प्राइस शुड राइज बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए अगर आप मार्केट के अंदर वही कोल्ड कॉफी 200 रुपए की आ रही हो जो 100 रुपए में बन रही है द प्रोडूसर्स मस्ट रिसीव मोर देन एन एवरेज रिम्यूनरेशन फॉर देयर सेक्रीफाइस ठीक है आप एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट भी आपका बढ़ गया आपने लेबर को भी खूब पैसे देने शुरू कर दिए लेबर भी आपकी खुश वो सर सा लेबर सारी कह रही है सर तैमर रहमान जिंदाबाद हमें डबल पैसे मिल रहे हैं और इतने पैसे हमें मिल नहीं रहे एज सोन एज दिस बिन डिस्कवर्ड जैसे ही लोगों को पता चलेगा इर्गिर्द कि यार ये रोबिया कोल्ड कॉफी वाला जो है दो सौ रुपए की कॉफी बेचता है और सौ रुपए की सिर्फ पड़ती है कैपिटल इंडस्ट्री फ्लो टूवर्ड्स दिच बाई दिस ऑपोजिशन ऑफर्स एक्स्ट्रॉडनरी एडवांटेजेस दूसरे लोग कहेंगे यार मैं भी फिर कोल्ड कॉफी की दुकान खोल लेता हूँ तो कोल्ड कॉफी दो सौ रुपए की बिकती है सौ रुपए की बनती है मुनाफा ही मुनाफा दोज हु वर्चेसर्स और पर्सन ऑन देयर बिहाफ टर्न प्रोड्यूसर्स जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आप कोल्ड कॉफ़ी मुझे दो सौ रुपए की बेच रहे हैं और मुझे बताया कि मैं कोल्ड कॉफ़ी सौ रुपए की बना सकता हूँ और मेरे लिए फ़ायदा ये है कि मैं कोल्ड कॉफी सौ रुपए की बना लूँ मैं क्यों दो सौ रुपए उसको दूँ तो मैं जो पहले परचेसर था अब मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँगा या हो सकता है वो आप में से कोई हो टिल द इंक्रीज सप्लाईज इक्वलाइज द प्राइस विद प्रोडक्शन इतने कोल्ड कॉफी वाले आ जाए बढ़ जाए सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो फिर प्राइस नीचे अब यह आर्ग्यूमेंट गौर कीजिए स्मिथ से फर्क नहीं है रिकार्डो से फर्क नहीं है क्लासिकल इकोनॉमी से फर्क नहीं थोड़े सेमाल आपने लास्ट टाइम पढ़ा था जेम्स मिल को उससे भी फर्क नहीं है वही आर्ग्यूमेंट है जो बार बार रिपीट हो रही है इन स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स I think it was stated much better uh, by James Mill, whom we read last week, than it is by Senior, mainly because I think he introduces this very complex term of cost of production for producer versus cost of production for purchaser, which kind of doesn't really make any sense. How would it be cost of production for a purchaser? Purchaser is not doing any production. It's a kind of uh, not a very good term to use. But nonetheless, of course, the purchaser's money, the money that the purchaser is giving, can potentially be a, converted into production. So that's the sense he means, in which he means it. So finally, what happens owing to the influx of capital into those branches of uh, industry where profit is very or the outflux of capital from those branches of industry where profit is very the price

च ऑपरेट्स थ्रू कॉम्पिटिशन एंड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल सो ही राइट्स कॉस्ट प्रोडक्शन रेगुलट्स प्राइस वेयर देर इज इक्वल कॉम्पिटिशन जहां कॉम्पिटिशन खुला अगर कॉम्पिटिशन में रोक दूँ इससे मुराद ये है कि कोई बंदा जो है कोल्ड कॉफी नहीं बना सकता कोल्ड कॉफी की प्राइस पाँच सौ रुपए हो गई है और सौ रुपए की वो बनती है मगर पांच सौ रुपए की वो बिकती है मगर आप कोल्ड कॉफी नहीं बना सकते तो फिर ये पांच सौ रुपए की बचे रहेगी क्योंकि इसमें मोनोपली बन गई है एक किस्म की आर्टिफिशियल या नेचुरल मगर अगर कॉम्पिटिशन है अगर आप भी कोल्ड कॉफी बना सकते हैं तो वेरी सुन जब आपको पता चलेगा कि किसी ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है यानी अबव एवरेज प्रॉफिट हो रहा है अच्छा मुनाफा बनाया जा रहा है अच्छे पैसे बनाए जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे मैं भी फिर वो काम कर लेता हूँ जिस तरह किसी जमाने में अब नहीं है मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था जब लम्स पहले बना था तो उस जमाने के अंदर नई नई डिग्री शुरू हुई थी अमरीका के अंदर एम की ये अमेरिकन डिग्री है ना एम बी एम बी एज़ नॉट अ ब्रिटिश डिग्री इज अ यूरोपियन डिग्री एम बी एज़ एन अमेरिकन डिग्री तो अमरीका ने नई नई एम बी ए की डिग्री शुरू की तो यहाँ पर ना पाकिस्तान के अंदर एम बी ए की डिमांड जो है ना शॉर्ट थ्रू द रूफ कि यार अमरीका में जो कंपनीज को मैनेज करते हैं उनके पास एम बी ए की डिग्री होती है तो अगर कोई एम बी ए आ जाए पाकिस्तान अमरीका से पढ़ के तो उसको जो यहाँ के कैपिटलिस्ट थे वो काफ़ी यानी कि अच्छी सैलरी दे रहे थे तो क्या हुआ कि एवरीबडी वॉन्टेड टू डू एन एम और फिर क्या बना लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ एम बनी जिसके अंदर उन्होंने एम ट्रेन की और शुरू शुरू में जब लम्स बना और यहां से सिर्फ एम बनते थे तो जो एम बी यहाँ से निकलते थे वो उनको मार्केट में बड़े ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे वो बड़े मौज में थे वह बड़ी उनकी आकड़ थी मैं लम्स तो एम बी ए है ना हाँ? मैं तो इतने लाख पैसे लूंगा फिर आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एम की इतनी ग्लट हो गई इतने ज्यादा लोगों ने कहा कि हम भी एम करें हम भी एम करें कि उसके बाद एम की प्राइस जो है वो नीचे आ गई अब लोग कहते हैं चलो ह्यूमैनिटीज इन सोशल साइंस भी कर लेते हैं ठीक है इसी तरह डॉक्टर्स की मार्केट में भी होता है इसी तरह इंजीनियर्स की मार्केट में भी होता है इसी तरह टीचर्स प्रोफेसर्स की मार्केट में भी हर मार्केट में इस तरह होता है जहां पे प्राइस गिर जाती है लोग फिर वहां चले जाते हैं सो फाइनली दे ये जो इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है कहता है दिस इज नॉट द पॉइंट टू विच प्राइस इज अटैच ये नहीं कि यहां पे प्राइस रुकी हुई है बट इट इज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन विच प्राइस इज ऑलवेज इंडेवरिंग टू अप्रोच तो मैंने इसलिए वो पेंडुलम सा बना दिया यहां पे कि जितना वो दूर जाएगा इस पॉइंट से इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उतनी एक तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एड करेगी कि वो वापस उस तरफ आए बट ऑफकोर्स वो वापस आके क्रॉस ओवर भी कर जाएगा घूमेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ मगर उसी पॉइंट के इर्द गिर्द ही वो घूमेगा सो प्राइसेस ऊपर नीचे जाती जरूर है मगर एक पॉइंट के ऊपर नीचे जाती है और दैट पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज इज इक्वलाइज ठीक है तो जिस भी ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी जाएगी वहां पे वो उसकी कीमत बनस्पत दूसरी कमोडिटीज के एकदम से गिराएगी मगर ओवरऑल प्राइस लेवल of course we know macroeconomy that operates in a different way that of course is determined by money supply and all of those other things that's it for today thank you